अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है गुरुग्राम पुलिस ने लुकमान खान के हथियार है यानी लुकमान खान के कातिलों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दर्जन भर से ज्यादा अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गुरुग्राम पुलिस भी इस वक्त पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। दोस्तों बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि मेवात की तरफ से मेवात के उलमा हजरात और मेवात के नेता गण तथा वकील साहिबान और सोशल वर्कर मिलकर सभी ने मिलकर एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से जाकर मिले और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पुलिस कमिश्नर से इन दोषियों की, इन दरिंदों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी रखी, जिस पर हरियाणा पुलिस के कमिश्नर ने पूरा आश्वासन दिया है कि एक भी दरिंदे को बख्शा नहीं जाएगा और अब की बार इन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो कभी फिर किसी के ऊपर इस तरीके से हमला ना किया जाए और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। तो इसलिए गुरुग्राम पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस वक्त मेवात की जनता में भारी गुस्सा नजर आ रहा है। सरकार और कानून का पालन करते हुए संयम बरत रही है मेवात की जनता। ऐसी वारदात और ऐसी घटनाओं से अब उब चुकी है, सर से ऊपर पानी कूद रहा है, क्योंकि कोई एक दो चार घटना नहीं, दर्जन भर से ज्यादा घटनाएं मेवात और मेवात के आसपास के इलाकों में मॉब लिंचिंग की घट चुकी है और तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इन्हीं दरिंदों का हाथ होता है। इसलिए मेवात की जनता में बहुत गुस्सा है। इस बार पीड़ित लुकमान के लिए इंसाफ लेकर ही रहेंगे, मेवात की जनता की ऐसी मांग है। मेवात की जनता इस वक्त बड़े गुस्से और जुनून में है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार मेवात की 36 बरादरी यानी हिंदू मुस्लिम तमाम भाई बहन मिलकर के इस गुस्से में है कि ऐसी वारदातों पर अंकुश लगना चाहिए और ये सरासर गलत है। मेवात का हर हिंदू और मुसलमान ये चाह रहा है इस बार कि मेवात के पीड़ित लुकमान खान के लिए इंसाफ हर हालत में मिलना चाहिए। आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।